Morning students, today we will do remaining question of exercise 6.2. So question number 17, the side of triangle are in ratio 3:5:7 and its parameter is 60 centimeter. Find its all sides. Parameter क्या होता है बेटा? Sum of all sides. क्या होता है parameter? Sum of all sides. ठीक है बेटा, कहता है कि उसकी जो साइड है वो रेशियो में हमें गिवन है 3:5:7 और जो पैरामीटर वो कितना है 60 सेंटीमीटर है. कहता है कि साइड फाइंड आउट करो. तो अब देखेंगे बेटा, अभी तक तो हम रेशियो से फाइंड आउट कर रहे थे, अब एक रेशियो से ही फाइंड आउट करेंगे लेकिन एक नए मेथड से देखेंगे. ठीक है, तो लेट फर्स्ट साइड क्या मान लेंगे हम, जो उसका रेशियो है ना बेटा, उसके साथ कोई ना कोई एक वेरिएबल ले लेंगे. जैसे 3 के साथ हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, 3x. और सेकंड साइड, लेट सेकंड साइड इज इक्वल टू 5 के साथ क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे. और लेट थर्ड साइड इज इक्वल टू 7 के साथ क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे. क्या ले लेंगे, 7 के साथ एक्स ले लेंगे. ठीक है, अब पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड. साइड्स क्या क्या है हमारे पास, 3x है, 5x है, 7x है और पैरामीटर हमारे पास कितना था बेटा, 60 सेंटीमीटर. तो हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. 5 + 3 = 8, 8 + 7 = 15, x = 60 centimeter, x = 60/15. ये 15 मल्टीप्लाई में था, इधर आया तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में. 15 × 4 = 60, 4 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई. हमें किसकी क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है. फर्स्ट साइड क्या थी हमारे पास, 3x, 3 × 4 कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर. सेकंड साइड क्या थी हमारे पास, 5x, 5 × 4 क्या हो गया हमारे पास, 20 सेंटीमीटर. ठीक है बेटा, और थर्ड साइड हमारे पास क्या थी बेटा, 7x, 7 × 4 क्या होगी हमारे पास, 28 सेंटीमीटर होगी. सभी को प्लस करके देखेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, 60 आना चाहिए. अगर 60 नहीं आ रहा तो आंसर क्या है, रॉन्ग है. 20 + 28 = 48, 48 + 2 = 50, 50 + 10 = 60, 60 सेंटीमीटर. सो आंसर इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 19 कैसा है, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा है. क्या कहता है, डिवाइड करो 5,850 रुपीज़ को किस में, इन रेशो 1/2, रेशो 3/5, रेशो 4/7. ठीक है बेटा, तो हमें इस रेशो में क्या करना है, रुपीज़ 5,850 को डिवाइड करना है. तो जब हमारे पास रेशो किस में हो, फ्रैक्शन में हो, तो हमें पहले उसको किस में लेके आना है बेटा, सिंपल नंबर्स में लेके आना है. मीन्स हमें नेचुरल नंबर्स में रेशो को लेके आना है. ठीक है बेटा, तो क्या करेंगे, इनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे. 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है. तो एलसीएम कैसे आएगा, इन सब की मल्टीप्लाई से. 5 × 10 = 10, 7 × 70 एलसीएम क्या आया हमारे पास, 70. तो 70 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर भी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 70 से. तो 4/7 × 70, 7 से कैंसिल किया 10, 5 से कैंसिल किया, 5 × 5 = 5, रिमाइंडर 2, 2 × 0 = 20, 5 × 4 = 20, 2 से कैंसिल किया 2, 3 = 6, 2 × 5 = 10. तो क्या आ गया हमारे पास, 35:14, 3 = 42, 10 × 4 = 40. क्या आ गया हमारे पास, 35:42:40. तो अब क्या करेंगे, टोटल रेशो फाइंड आउट करेंगे. 35 + 42 + 40 = 2 + 5 = 7, 4 + 4 = 8, 8 + 3 = 11. ठीक है बेटा, अब
अब क्या करेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे किस रेशो में, 1/2, 3/5 एंड 4/7 में। ये क्या हो गए थे हमारे पास 35, 42, 70। ठीक है बेटा, इसमें हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट रेशियो, फर्स्ट पार्ट कितना है हमारे पास 35 अपॉन टोटल रेशियो 117 इनटू टोटल अमाउंट 5850। अब क्या करना है हमें, इसको कैंसिल करना है। ठीक है, तो 13 9 जा तो कैंसिल हो जाता है, ड्राइस कोड देख लेते हैं, 13 से करते हैं, 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 रिमाइंडर हमारे पास क्या रहे, ये 13 52 एंड 6 रह गए, 6 and 5 65, 13 5 जा 65, तो 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 9 जा 117, 13 4 जा 52 रिमाइंडर 6 6 and 5 65, 13 5 जा 65 एंड 0 एज इट इज़। ठीक है बेटा, 9 से और कर देते हैं, 9 5 जा 45, 0 एज इट इज़। क्या हुआ हमारे पास 35 की मल्टीप्लाई करने किससे, 50 से, 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 3 जा 15 एंड 2 17 एंड 0 एज इट इज़। क्या आ गया हमारे पास 1750 रुपीज़। इसी तरह से हमें बाकी के दो पार्ट भी फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं कि ए प्रेस कंटेन ₹10, ₹5 and ₹2 coins बाई नंबर इन रेशो। जो नंबर है कॉइन्स के वो रेशो में है, किस रेशो में है, 2:5:7। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन्स इज 236, टोटल वैल्यू है किसकी, कॉइन्स की, वो कितनी है बेटा 236 है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन्स, कहता है कि ईच टाइप के कॉइन्स का नंबर फाइंड आउट करो। तो ये क्वेश्चन भी हमारा इस मेथड से होगा, एक्स वाले मेथड से होगा, ये विदाउट एक्स वाले मेथड से सोल्व नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, तो जो कॉइन्स के नंबर्स हैं वो किस रेशो में दे रखे हैं, 2:5:7 में। ठीक है बेटा, तो लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ₹10 के कॉइन्स की जो नंबर्स हैं वो कितने हैं हमारे पास बेटा, 2 के साथ कोई वेरिएबल ले लें, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। अब लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ₹5, वो क्या ले लिया हमने, कितना है बेटा 5 है, तो 5x। अब लेट नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2, वो कितने हैं हमारे पास 7 है, तो क्या हो जाएगा 7x, वो क्या हो जाएगा 7x। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्या करेंगे बेटा, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें टोटल अमाउंट कितना दे रखा है 236। तो वैल्यू ऑफ ₹10 कॉइन्स यहाँ पे देखेंगे बेटा क्या होगा। अब देखो आपके पास अगर एक 10 रुपये का सिक्का, तो 10 रुपीज़ है, अगर 2 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे बेटा, 20 रुपीज़ हो जाएंगे ना, जितने भी कॉइन है उनको क्या कर देंगे, उस अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास 10 रुपीज़ के कॉइन्स हैं, किसके कितने हैं 2x, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2x से, तो क्या वैल्यू आई हमारे पास ₹20x, क्या आया ₹20x। ठीक है बेटा, फिर हमारे पास वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स इज इक्वल टू ₹5 × 5 के कितने कॉइन्स हैं 5x, तो 5x क्या हो गया 5 5 जा 25 25x क्या आ गई हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, फिर थर्ड हमारे पास क्या है ₹2 कॉइन्स, तो उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, जितने भी ₹2 के कॉइन्स हैं उनकी 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 के कितने कॉइन है 7x,
टेन एक्स की मल्टीप्लाई टू से, सेवन टू जा 14x, क्या आ गए हमारे पास 14x रुपीज। तो 10 रुपीज के कॉइन्स की वैल्यू कितनी है 20x है, और 5 रुपीज के कॉइन्स की कितनी वैल्यू है 25x है, और 2 रुपीज़ के कॉइन्स की वैल्यू कितनी है 14x है, लेकिन टोटल वैल्यू कितनी है बेटा 236 है। टोटल वैल्यू कैसे आएगी, इनको क्या कर दें प्लस कर दें, टोटल वैल्यू क्या हो गया हमारे पास 20 रुपीज़ x प्लस 25 रुपीज़ x प्लस ₹14x, ठीक है बेटा। अब इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो क्या हो गया हमारे पास 25 and 20 कितना हो गया 45 plus 4 49 49 and 10 59 59 rupees x, ठीक है बेटा। लेकिन जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, टोटल वैल्यू 236 कितनी दे रखी है 236, तो क्या हो जाएगा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो ₹236 अपॉन ये किसमें है मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किसमें आएगा डिवाइड में, तो ₹59, रुपीज से रुपीज क्या हो गया कैंसिल हो गया बेटा, तो 59 से किस पे जाएगा ये 4 पे, किस पे जाएगा 4 पे, 4 9 जा 36 थ्री कैरी, 4 5 जा 20 20 and 3 23, तो 59 1 जा 59 और 59 4 जा 236, ठीक है बेटा। तो ₹10 coins क्या आ गया हमारे पास, कितने थे 2x थे, x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो क्या आ गया बेटा 2 into 4 कितने हो गए 8 हो गए, एंड नंबर ऑफ रुपीज इतने हमारे पास 5 हैं, तो कॉइंस इतने आगे बेटा 5 के कितने थे 5x थे, 5 into x की वैल्यू 4 कितने हो गए 20 हो गए, ऐसे ही 2 रुपीज़ के कॉइंस कितने आ गए बेटा 7 into x, 7 into x की वैल्यू 4 7 4 जा 28, तो क्या आ गए हमारे पास 8 20 and 28, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 19, अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 तो हमने कर लिया था, 18 भी कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है डिवाइड 120 रुपीज थ्री चिल्ड्रन एज्ड 3 एज 4 years and 5 year रिस्पेक्टिवली इन रेशियो ऑफ देयर एजेस, कहता है कि 120 रुपये को 3 बच्चों में डिवाइड करो जिनकी एज क्या है हमारे पास 3, 4 और 5 साल है, ठीक है बेटा। और क्या कहता है कि जो उनकी एज है वही क्या है उनका रेशियो भी है, जो रेशियो है वही उनका एज वाला है, तो रेशियो क्या हो गया हमारे पास बेटा 3:4:5। अब क्या फाइंड आउट करेंगे टोटल रेशो, क्या हो जाएगा 3 plus 4 7 7 plus 5 12, कितना हो गया बेटा 12 हो गया, टोटल रेशो कितना आ गया 12। तो पार्ट ऑफ 3 years चाइल्ड, 3 साल वाले बच्चे का पार्ट कितना हो जाएगा रेशो अपॉन टोटल रेशो इनटू रुपीज, तो 12 से क्या कर दिया हमने कट कर दिया क्या 120, क्या आ गया हमारे पास 3 into 3 3 into 10 30 रुपीज, 3 साल वाले बच्चे के रुपी के हिस्से में कितने पैसे आए बेटा 30 रुपीज आए, ठीक है। ऐसे ही 4 वाले के में पार्ट ऑफ 4 years चाइल्ड क्या हो जाएगा, 4 वाले का 4 upon 12 into 10 4 से 4 12 into 120 कैंसिल हुआ, तो क्या आ गया 10 आ गया, तो क्या आ गया हमारे पास ₹40, क्या आ गया ₹40। इसी तरह से 5 years वाले का भी फाइंड आउट कर लेंगे, 5 years वाले का भी फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि एक प्रॉफिट है,
of rupees 1800 is divided among three partners who invest in ratio 4:5:9. कहता है बेटा एक प्रॉफिट है वो डिवाइड करना है तीन पार्टनर्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है किस रेशो में 4:5:9 में. कहता है कि फाइंड द शेयर ऑफ ईच, ईच का शेयर फाइंड आउट करो. जिस रेशो में वो क्या करते हैं बेटा इन्वेस्ट करते हैं उसी रेशो में क्या होता है प्रॉफिट होता है, या जिस रेशो में वो प्रॉफिट होता है उनको उसी रेशो में वे क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं. तो रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास बेटा 4:5:9. ठीक है बेटा, तो इसे क्या करना है फाइंड आउट कर देंगे. इसी तरह से कि क्या करना है ये क्वेश्चन सोल्व करना है. अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा इस एक्सरसाइज का क्या है. द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एन आर्टिकल इज डिवाइड अमंग द मटेरियल लेबर एंड वेस्टेज. क्या कहता है बेटा जो कॉस्ट है किसकी, मेकिंग ऑफ आर्टिकल, किसी आर्टिकल को बनाने की जो कॉस्ट है वो किस पे डिपेंड करती है. एक तो मटेरियल पे डिपेंड करती है, एक लेबर पे डिपेंड करती है, एक वेस्टेज पे डिपेंड करती है. मटेरियल कितने रुपए का आया, जो कच्चा मटेरियल है वो कितने रुपए का आया, और जो लेबर कॉस्ट है वो कितनी लगी उसमें, और जो वेस्टेज है वो कितनी हुई उसमें बनाने में. तो इन सभी को ज्वाइन करवा करके हमें क्या मिलती है, कॉस्ट मिलती है उस आर्टिकल की. ठीक है बेटा, उस आर्टिकल की क्या मिलती है हमें, कॉस्ट मिलती है. ठीक है बेटा, अब कहता है कि जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितनी है बेटा 11.25 है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कहता है कि आर्टिकल की कॉस्ट फाइंड आउट करो. तो देखेंगे बेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो हमारे पास मटेरियल का रेशो भी गिवन है और मटेरियल की कॉस्ट भी गिवन है. तो मटेरियल की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे किससे, रेशो से, और उसको क्या कर देंगे मटेरियल कॉस्ट के इक्वल पुट कर देंगे. और हमें क्या फाइंड आउट करना था बेटा, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल फाइंड आउट करनी है. तो उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. उसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे. लेट कॉस्ट ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज एक्स. वो क्या कर ली हमने, लेट कर ली. कितने रुपये लेट कर लिए बेटा, एक्स रुपीज लेट कर लिए. ठीक है, अब मटेरियल लेबर और वेस्टेज का जो हमें है वो दे रखा है. रेशो क्या रेशो है ये हमारे पास, 2 1 2 2 and 1 3 3 by 2, रेशो 2 रेशो 1 by 2. अब क्या करना है हमें, इसको मिक्स, ये क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको किस में लेके आना, नेचुरल नंबर में लेके आना रेशियो को. ठीक है बेटा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से ही मल्टीप्लाई कर दें. 3 by 2 into 2 रेशियो 2 by 1 into 2 रेशियो 1 by 2 into 2. 2 से 2 कैंसिल क्या आया बेटा, 3:2 to 4:1. ठीक है बेटा, अब हमारे पास क्या निकालना है, हमें मटेरियल कॉस्ट निकालनी है. क्या निकालनी है हमें, मैं उससे पहले क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, टोटल रेशो. टोटल रेशो क्या हो गया, 3 + 4 = 7, 7 + 1 = 8. क्या आ गया, 8 आ गया. ठीक है बेटा, अब फाइंड आउट करते हैं मटेरियल कॉस्ट. मटेरियल कॉस्ट क्या हो जाएगी बेटा, मटेरियल रेशो अपॉन टोटल रेशो. मटेरियल रेशो 3/8 × टोटल रेशो. टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास, एक्स है, रुपीज़ एक्स. क्या है हमारे पास, रुपीज़ एक्स. ठीक है बेटा, लेकिन मटेरियल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास, 11.25 थी. 11.25 रुपीज़ इज इक्वल टू 3/8 × रुपीज़ एक्स. ठीक है बेटा, या फिर x, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की. तो इसको कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी तरफ. x इज इक्वल टू 11.25 रुपीज इंटू, ये 8 किस में था, डिवाइड में, इधर आएगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में. ये 3 किस में था, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में. इसका डेसिमल रिमूव करने के लिए अपॉन 100, क्योंकि कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे, किसके बाद, डेसिमल के बाद. तो क्या आ जाएंगी, 2 0 आ जाएंगी, किसके बाद, 1 के बाद. ठीक है बेटा, और इसे कैंसिल करते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 + 2 = 7, 10 + 1 = 8, 8 + 1 = 9. ठीक है बेटा, तो कैंसिल हो जाएगा, 3 3 = 9, रिमाइंडर 2 2 and 2 20 2 3
7 जा 21, रिमाइंडर 1, 1 एंड 5 15, 3 5 जा 15। अब क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, उसे पहले 5 से भी कैंसिल कर लेते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, 5 7 जा 35, रिमाइंडर 2, कितना बचा, रिमाइंडर 2, 2 एंड 5 25, 5 5 जा 25, 5 से इसको कैंसिल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 5 2 जा 10 एंड 0 एज इट इज़। फिर से 5 से कैंसिल कर देते हैं, 5 4 जा 20, इसको कैंसिल किया तो 5 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, ठीक है बेटा। 4 2 जा 8, एक्स इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास बेटा, 8 2 जा 16, कितना आया 15 2 जा 30, क्या है बेटा 15 2 जा 30, कितना आया 30 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी आई हमारे पास, 30 रुपीज़, ठीक है बेटा। तो किसी को डाउट हो तो एक बार और वीडियो देख लें बेटा, अदरवाइज लाइव क्लास में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।